आलू की एकदम नई और मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। स्वागत है आपका इंडियन फूड से थोसा में। तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ हमने 5 बड़े साइज आलू को पहले से ही उबाल करके छिलका हटा करके रख दिया था। आलू को हमने हल्का सा उबाला है, यानी कि ये आलू आधा पका हुआ है और आधा कच्चा है। आलू को जब आप हाथ में लेकर के इस तरीके से फोड़ेंगे तो ये फूटेगा नहीं, यानी कि पूरी तरह से ये आलू उबला हुआ नहीं है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आलू को हमें पूरी तरह से उबालना नहीं है। अगर आपने आलू को पूरी तरह से उबाल दिया है तो उसे रात भर के लिए फ्रिज में रख कर ठंडा कर लें, तब इस रेसिपी को बनाएं। अब एक हम बर्तन लेंगे, यानी कि प्लेट लेंगे, और आलू को इस तरीके से काट लेंगे। आलू बड़ा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 टुकड़े करेंगे। अगर छोटे आलू हैं तो उसमें आप 4 टुकड़े करें, और बहुत ज़्यादा छोटे आलू हैं तो 2 टुकड़ा करें। यानी कि आलू का पीस हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल इस तरीके का रखेंगे। अगर आलू के पीस बहुत बड़े रहते हैं तो अगर हम ऊपर से नमक डालेंगे तो उसके अंदर तक नमक नहीं जा पाता है, लेकिन जब हम इसके थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, इसमें नमक डालेंगे, मसाले डालेंगे, तो ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि इस आलू के अंदर तक नमक और मसाले अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, बड़े साइज़ के आलू काटेंगे तो उसमें नमक और मसाले अच्छी तरह से नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरीके से आप एक आलू में 3 टुकड़े काटें, यानी कि 6 टुकड़े काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। और यहाँ हमने सारे आलू को काट लिया है। अब मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1/2 इंच अदरक के टुकड़ों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके। 3 हरी मिर्च डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा तीखा चाहिए तो। और इसमें हम डाल देंगे मोटे टुकड़ों में कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती डंठल सहित। अगर धनिया की पत्ती नहीं है तो आप थोड़ा सा करी पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं। मिक्सी जार पर ढक्कन लगा देंगे और इसे हम बिना पानी का सूखा ही दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, पानी नहीं डालना है, यानी कि इसे इस तरीके से हमें दरदरा पीसना है, चटनी नहीं बनानी है। गैस चलाकर कढ़ाही गर्म करेंगे और गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1.5 चम्मच सरसों तेल। इस रेसिपी को आपको सरसों तेल में बनाना है, रिफाइंड ऑयल में नहीं बनाना है, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा को हल्का सा चटकने देंगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब हम आलू को डाल देंगे, पूरे आलू को डाल देना है। हल्के हाथ से आलू को चलाएंगे, बहुत ज़्यादा आलू को हमें जोर जोर से, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके नहीं चलाना है, हल्का से इसे चलाएंगे इस तरीके से। अगर बहुत ज़्यादा आलू उबले हुए हैं तो आपको 1 से 2 बार ही इसे चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, आलू को सेकते हुए चलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे सफ़ेद नमक स्वाद के अनुसार, और नमक को अच्छी तरीके से आलू में मिला देंगे। नमक हम पहले डालेंगे ताकि आलू नमक को अच्छी तरह से सोख ले और नमक का टेस्ट जो है आलू में अच्छी तरह से मिल जाए। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इसको भी अच्छी तरीके से मिला देंगे। थोड़े थोड़े हम मसाले डालते जाएंगे और अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। अब इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए। ढकने से क्या होगा, नमक और आलू जो है पानी थोड़ा सा छोड़ देगा, उसी पानी से आलू अच्छी तरह से पक जाएगा। इसे हम थोड़ा सा चला देंगे, तो जैसा हमने बोला कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाना है। और आप देख सकते हैं आलू के ऊपर ये ब्राउन सा चित्ती पड़ना शुरू हो गया है, यानी कि आलू अच्छी तरह से सीख गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, 1 चम्मच मोटा कूटा हुआ धनिया पाउडर और 7 से 8 कूटी हुई काली मिर्च। सबको अच्छी तरीके से मिला देंगे, थोड़े थोड़े मसाले डालते जाएंगे और हल्के हाथ से इसे हम मिलाते जाएंगे। 1 चम्मच बारीक कूटी हुई धनिया पाउडर डालेंगे, घर का धनिया पाउडर है, और 1/2 चम्मच कूटा हुआ जीरा पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच, और सबको अच्छी तरीके से मिला देंगे। धनिया पाउडर का हमने 2 बार प्रयोग किया हुआ है, 1 बार हल्का सा मोटा कूटा हुआ और 1 बार बारीक कूटा हुआ। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, यानी कि कूटी हुई लाल मिर्च। तो जैसा हमने बोला कि मिर्च और मसालों का प्रयोग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। हल्के हाथ से मिलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच किचन किंग मसाला। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो इसकी जगह पर आप गरम मसाले की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दें
और इस तरीके से हल्के हाथ से मसालों को मिलाएंगे। धीमी आंच पर भुनना है। एक चम्मच इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला पाउडर और एक चम्मच डाल देंगे कलर के लिए ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो अगर आपको ये कलर लाल नहीं चाहिए, मतलब सब्जी का कलर लाल नहीं चाहिए, तो आप केवल कुटी हुई लाल मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबको अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये क्रश किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च। लहसुन का प्रयोग हमने नहीं किया है, लहसुन को हमने ऐसे ही बोल दिया है। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा लहसुन भी क्रश करके डाल सकते हैं। केवल हमने धनिया अदरक और हरी मिर्च डाला हुआ है। और ये देखिए मसाले पूरी तरह से आलू के ऊपर कोट हो चुका है, यानी कि चिपक गया है। ये देखिए अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि हमने सादा नमक भी डाला है, सफ़ेद नमक, और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर भी डाला है। तो नमक दोनों में होता है, तो इसलिए थोड़ा सा काला नमक डाल दें बाद में। और ये देखिए आलू हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। लेकिन इसमें हम आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। सबको अच्छी तरीके से मिला देंगे। हल्के हाथ से चलाना है, धीमी आंच पर। हमें थोड़ा सा मसालों को सौंधा होने तक पकाना है। जैसे ही इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी, गैस को आप ऑफ कर दीजिएगा। और ये हमारी चटपटी सी आलू की सब्जी बन करके तैयार हो गया है। आप बच्चों को नाश्ते में पूरी पराठे के साथ दे सकते हैं, दाल चावल के साथ दे सकते हैं खाने में। अगर आप प्याज लहसुन खाना चाहते हैं तो जीरा के बाद थोड़ा सा बारीक काट करके प्याज डाल करके इसमें तड़का लगा सकते हैं। अगर आप लहसुन खाना चाहते हैं तो अदरक मिर्च और हरी धनिया में थोड़ा सा लहसुन भी क्रश करके डाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आप ये आलू की सब्जी बनाते हैं तो यकीन मानिए, बाहर जा रहे हैं, कहीं आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, घर में पूजा पाठ है, या फिर इस तरीके की सब्जी बनानी है, तो आप इसे बना सकते हैं। कम समय में काफ़ी आसान तरीके से इस चटपटी रेसिपी को बना सकते हैं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।